लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर दल के नेता दमखम से जुटे हुए हैं, लेकिन इस दमखम में नेता भाषा की मर्यादा तोड़ते नजर आ रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आगर मालवा में आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा में देखने को मिला। देवास शाजापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद टिपानिया के लिए सभा करने आए कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। कराड़ा ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि एक तरफ वो आदमी है जो हुकुम चलाता है, जज और पुलिस होती है, उनका काम ठोकना और बजाना होता है, चाहे वो रिटायर्ड होकर आए हो या फिर पद छोड़कर आए हो, मगर उनकी आदत नहीं जाती। ऐसे में आप किसे अपना नेता बनाना पसंद करेंगे? एक तरफ मधुर वाणी वाला संत है तो दूसरी तरफ वो है जो ठोकता और बजाता है। कराड़ा का इशारा बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी की ओर था। सोलंकी जज की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। राहुल जी को धन्यवाद देंगे कि हमारे सामने ऐसा जन नेता हमने प्रस्तुत किया कि जिसके लिए हमको ज्यादा उनके परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। उनका तो चेहरा दिख जाए, नाम तो सारे लोगों ने सुना है। शाजापुर देवास संसदीय सीट सीट के अलावा भी पूरे प्रदेश में उनका नाम है, देश में नाम है, विदेशों में भी उनने अपनी योग्यता का और अपने मृदुर वाणी का एक अच्छा प्रतिभा का काम किया है मित्रों, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक तरफ वो आदमी है जो हुक्म चलाता है, पुलिस से और जज से रिटायर होने वाले हैं, इस्तीफा देकर आने वालों की आदतें नहीं बदलती है, उनका रवैया वही होता है हमेशा ठोका बजाना, ऑर्डर करना। तब आप ये कर लीजिए कि आपको एक मधुर वाणी वाला संत चाहिए कि वो चाहिए जो ठोका बजाता है। वहीं कमलनाथ सरकार के मंत्री कराड़ा की इस विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश बीजेपी महामंत्री और देवास के बीजेपी सांसद मनोहर ऊंटवाल ने बयान की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि हुकुम सिंह का बयान निंदनीय है। कराड़ा खुद एक संवैधानिक पद पर हैं, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा बयान दिया, ये निंदनीय है। देखिए कराड़ा जी जैसा काफ़ी गंभीर और बड़ा राजनेता इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय है। जिस पद पर वो बैठे वो भी एक संवैधानिक पद है, और जज और पुलिस के बारे में इस प्रकार बोलना कि ये तो ठोकते बजाते हैं और बाद में भी इनकी हरकतें रहेगी, ये बहुत निंदनीय वक्तव्य है। मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ, और ये केवल जज का किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है, बल्कि पूरी संपूर्ण न्यायपालिका का अपमान है, संपूर्ण पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का अपमान है, क्योंकि राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म होता है, और आदमी सेवा करने के दृष्टिकोण से जब किसी क्षेत्र में जाता है तो उसका अपना हेतु उद्देश्य बदल जाता है। हमारे उम्मीदवार संघ के बहुत गंभीर संशयक रहे हैं, नौकरी तो उनकी बाद में लगी, पर उससे पहले वो हमारे अच्छे संसद के नाते संघ की शाखाओं में गए, काफ़ी गंभीर है, काफ़ी समझदार है और युवा हैं, निश्चित रूप से काम करने की ललक है, वरना वो 2 लाख रुपए की नौकरी क्यों छोड़ते, क्यों छोड़ते सरकारी गाड़ी, क्यों छोड़ते सरकारी बंगला। कहीं ना कहीं आदमी जब इतने सब सुविधाएं छोड़ के आता है तो वो सेवा के उद्देश्य ही आता है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित देवास शाजापुर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 में इस सीट से बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल चुनाव जीते थे। ऊंटवाल ने 2018 में इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। बीजेपी की इस बार जज की नौकरी छोड़कर आए महेंद्र सिंह सोलंकी तो कांग्रेस ने कबीरपंथी भजन गायक प्रहलाद टिपानिया को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में देखना होगा कि जज और भजन गायक में से किसको आगर मालवा की जनता ताज पहनाती है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।